आशुतोष जी आइए। आशुतोष जी आवाज मिल रही है मेरी? भी नहीं माना गया था। पहली बात तो ये कि उसका आप ध्यान कर लीजिए। हाँ नहीं, मैंने कहा नलिन जिलो जी अपनी चीजें दुरुस्त कर लीजिए। वो सरकार भी नहीं बनी थी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की वोट भी ली थी, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर माना नहीं गया था। पहली चीज ये, मैंने तो आपको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की बात बताई थी कि इन्होंने किस तरीके से कहा था कि अगर चोरी से सरकार बनानी हो या विधायक या सांसद को तोड़ने हो तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं उसको ही अपने वहां ले आते हैं। ऐसा लगता है ईडी सीबीआई के वहां दो दरवाजे हैं, घुसने का तो रास्ता है, अंदर जाने के या तो बीजेपी मुख्यालय चले जाओ और या तो जेल चले जाओ। तो जेल वाला रास्ता बंद करके लोग मुख्यालय चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक स्थिति इतनी खराब कर दी है कि आजकल आप कल चोरी डकैती या आप हत्या भी करके आ जाइए, आप रेप भी करके आ जाइए, और अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में हो तो आपको अंदर कोई परेशानी नहीं है, वो सारी चीजें साफ कर। नलिन जी, वो पार्टी के अंदर डिफरेंस जो टैगलाइन है वो बदल देनी चाहिए पिछले 10 सालों ने। जैसे देश में बाकी राजनीतिक दल जिसको लेकर बीजेपी संघर्ष करते करते 2014 में सत्ता में पहुंची, अब बीजेपी का भी चरित्र सत्ता में आने के बाद वैसा ही हो गया है, ये कह रहे हैं सभी राजनीतिक दल यहाँ पर। माफी चाहता हूँ, एक वाक्य ही कहूंगा जी कि मैं अटल जी की सरकार का, क्योंकि उदाहरण आशुतोष जी ने कहा, मैं उसी एक दिन के प्रकरण की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि अटल जी को कोट करते हुए आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, एक दिन की सरकार बनाने का प्रयास किया जो अवैध बाद में डिक्लेयर हुई। ठीक है सर। अखिलेश जी, आपसे बस इतना जानना चाहती हूं सर कि 2024 चुनाव से पहले अब क्या लग रहा है, विपक्ष और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष, इसके कुनबों में किसका पलड़ा आपको लगता है भारी होगा? क्योंकि जो शिवसेना बाद में एनसीपी, अब कयास ये लग रहे हैं जेडीयू, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जयंत चौधरी पर भी प्रश्न चिन्ह है सर। रोमाना जी, देखिए आप थी इसी चैनल, आपके ही चैनल पे जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव हो रहे थे तो मैंने कहा था कि हिमाचल हम लोग जीतेंगे 2/3 बहुमत से, और इसके बाद पूरे देश में कोई भी चुनाव, विधानसभा हो या लोकसभा हो, बीजेपी यानी मोदी जी की सरकार नहीं जीतने वाली है। और जिन जिन राज्यों, मैंने ये भी कहा था, जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा उन राज्यों में एक दो महीने पहले बीजेपी में भगदड़ मचेगी। कर्नाटक में मची, जहाँ जहाँ चुनाव अभी चार राज्यों में आने हैं वहाँ वहाँ भगदड़ मचेगी, देखिएगा कुछ लोग अभी से आ रहे हैं। और दिल्ली के जब चुनाव होंगे तो दिल्ली की बीजेपी में 1/4 लोग मोदी जी का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ तानाशाही है, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं है, वहाँ कोई कैबिनेट नहीं है, दरबार है। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है, तो कुल मिलाकर इस चर्चा में जो मेरी समझ बन रही है वो यही कि 24 के चुनाव से पहले इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद 24 के चुनाव की तस्वीर जो है वो कुछ हद तक साफ हो पाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।